एक बड़ी पुरानी कहावत है, आठ जुलाहे नौ है हुक्का, उस पर भी है थुक्कम थुक्का। बाजवा ने आखिर अमेरिकी सेना को क्यों फोन किया? क्या अब अमेरिका से मदद मांगने के बाद अमेरिकी सेना को उतारने के मूड में है बाजवा? क्योंकि चारों तरफ से तबाही बरपा रही है पाकिस्तान के ऊपर, और इन सब में जहां 350 से ऊपर सैनिक ऊपर चले गए हैं, तो वही हालात बेहद खराब है। जानेंगे क्या है मामला। बलूचिस्तान से लेकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े सदमे में है, और क्या अब भारत के लिए यही सही समय है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान इस वक्त कितनी बड़ी संकट में है उसे आप ऐसे जानिए। टीटीपी ने पहले सिर्फ पश्तून इलाके पर कहा था कि ये इलाका आप हमें दे दो, इस इलाके में हम शरिया कानून लागू करेंगे, लेकिन अब टीटीपी उस जगह से काफी आगे निकल चुकी है। और टीटीपी ही नहीं, आईएस वगैरह सबका कहना है कि अब पूरे के पूरे पाकिस्तान में लागू करो शरिया कानून। बाजवा बातचीत करना चाहता है, और बातचीत करने के लिए लगातार पहुंच रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसलिए ताकि किसी तरीके से समझौता हो जाए और मामला शांत पड़ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। टीटीपी से मिलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का डेलीगेशन गया, उन्होंने धन्यवाद कहा, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ उन्होंने ये बात साफ कर दी कि हम अभी तक थके नहीं हैं, हम जिहाद करेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून न ला दे, यानी कि वही पुराना वाला कानून जिसके तहत जीना पड़ेगा अब पाकिस्तान के लोगों को भी। और समझिए तो आप, जो डेलीगेशन गया टीटीपी से मुलाकात करने, वो डेलीगेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। ऊपर से इमरान खान ने भी इसमें नमक मिर्ची लगा दिया। इमरान खान ये कह रहा है कि टीटीपी कोई चोर उचक्का नहीं है, हम इनसे बात कर सकते हैं, इनसे बातचीत करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। मतलब इस पूरी स्थिति का राजनीतिक फायदा इमरान खान उठाना चाह रहा है। इसके इमरान खान ये कहता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। अब जरा स्थिति समझिए, टीटीपी पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है, और ये इलाका है पश्तूनों का इलाका, जहां अफगानिस्तान से उसे लगातार मदद मिल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को खून के आंसू रुला रहा है टीटीपी। हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कल ही बलूचिस्तान में फिर से हो गए हमले, और ये हमला इस बार हुआ है फुटबॉल स्टेडियम के बाहर, जिसमें जो रिपोर्ट दिया है पाकिस्तानी सेना ने, एक पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। लेकिन अब जो आधिकारिक आंकड़ा है वो ये है, अब सच्चाई कितनी है वो तो पाकिस्तान ही जाने, क्योंकि पाकिस्तान से भी अब पूरी खबरें निकल कर नहीं आती है। बलूचिस्तान में पूरा मचा हुआ है हंगामा, और एक तरफ जहाँ टीटीपी को नहीं संभाल पा रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के उग्रवादियों को नहीं संभाल पा रहा है पाकिस्तान, तो आर्थिक स्थिति तो बेहद बेहाल हो गई है। जहां आईएमएफ ने ये कह दिया है कि अब जो ताजा चेंजेज हुए हैं आप लोगों के बीच, उसको लेकर हमें सोचना होगा कि हम आपको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। पूरी तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है, और न सिर्फ पाकिस्तान यहीं पर फंसा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के आंकड़े आप देखेंगे किस तरीके से उसके पाले हुए आतंकी ही अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन रहे हैं। अब होता क्या है, टीटीपी के साथ समझौता पाकिस्तान कर भी लेती है तो टीटीपी के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप संघर्ष विराम को मानते नहीं हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं और लगातार हमला करते रहते हैं। अब इन्हीं हमलों में आप अंदाजा ऐसे लगाइए पाकिस्तानी सेना को कितना नुकसान हो रहा है, कि सिर्फ इस साल पिछले 6 महीनों में पाकिस्तानी सेना पे 434 हमले होते हैं और करीब 323 सैनिक मारे जाते हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर बता रहा है, जो गृह मंत्रालय ने संसद के ऊपर सीनेट में पेश किया है रिपोर्ट, लेकिन सच्चाई इससे अलग बहुत ज्यादा है। सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में ही 171 हमले हुए, सिंध में 12 हमले हुए, और ये
सब आधिकारिक आंकड़ा है। जो असली नंबर है वो असली नंबर तो बिल्कुल भी अलग है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाजवा ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका से मदद मांगने पर सबसे ज्यादा भड़का इमरान खान, और इमरान खान ने ये कह दिया कि ये तो आर्मी का काम नहीं है। हालांकि इमरान खान ने जो बात कही वो सही बात कही। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने का काम पाक आर्मी चीफ का नहीं है बल्कि पाक पीएम का है। पर चूंकि पाकिस्तान के अंदर असली राजा सेना का प्रमुख ही होता है, इसलिए बाजवा यूएस के सामने आया है ताकि बाजवा को देखकर आईएमएफ को ये समझ में आए कि वहाँ राजनीतिक संकट नहीं है और बाजवा ही है असली शासक पाकिस्तान का। इस पर इमरान खान ने बिल्कुल ये कह दिया था कि ये देश कमजोर होता जा रहा है, बाजवा का काम नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था से निपटे। फिर उन्होंने यूएस को क्यों फोन किया और क्यों यूएस से बात की इस मामले को लेकर कि आईएमएफ लोन चुकाए। खैर, इमरान खान यहाँ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बाजवा और भी कुछ बड़ा करना चाह रहा है। और इसका संकेत ऐसे मिल रहा है कि बाजवा ने पहले तो यूएस से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया, वहीं अब दूसरी तरफ बाजवा ने सीधे सीधे फोन कॉल किया है। और ये फोन कॉल किसे किया है तो आपको बता दें, ये फोन कॉल अमेरिका के सेना को किया है। पहले जो फोन किया था वो वेंडी सरमन को किया था जो कि यूएस सेक्रेटरी है, पर अब जो फोन किया है पाक आर्मी चीफ बाजवा ने सीधे सीधे यूएस के टॉप कमांडर को फोन किया है। अब ये टॉप कमांडर से फोन करके इन्होंने इस बात को साफ किया है कि हम यहाँ पर द्विपक्षीय सहयोग की बात कर रहे हैं। दरअसल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइकल इरिक कुरिला से बात की, और फोन कॉल पर बात करने के बाद इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर हम आपसी सहयोग को बढ़ाएं। बाजवा ने ये भी कहा कि हम आपके साथ रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और पहले की तरह रिश्ते बनाना चाहते हैं। अब जरा सा सोचिए कि बाजवा ने वेंडी सरमन से बात किया, उसके बाद अमेरिका के सेना के टॉप कमांडर से बातचीत किया, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर अमेरिका को अब खुली अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाजवा कि आप अपनी सेना को उतार सकते हैं, हमारे एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा है बाजवा? तो ऐसा चीन के डर से भी कर रहा है बाजवा, और चीन की एंट्री हर हाल में नहीं चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर बाजवा के इस रिक्वेस्ट को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।